बेसुतून आसमानों का मेमार है, जिसकी मुकद्दस किताब रहबरे कायनात का खजीना है। इसी मुकद्दस किताब की आयत तैयबात की तिलावत से हम अपनी इस तकरीब का आगाज करते हैं। तिलावत कलाम रब्बानी के लिए खारी मोहम्मद जैद को इन मिसरों से मदू करती हूँ। सहर सहर है तेरी तजल्ली, चमन चमन है जमाल तेरा। सहर सहर है तेरी तजल्ली, चमन चमन है जमाल तेरा। नगर नगर है तेरे उजाले, निजाम हस्ती कमाल तेरा। नशेब तेरे फराज तेरे, अज़ल अबद के हिसाब तेरे। नशेब तेरे फराज तेरे, अज़ल अबद के हिसाब तेरे। तेरी हकीकत रहेगी कायम, नहीं है मुमकिन जवाल तेरा। بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم। जब जमीन पूरी तरह से जोड़ दी जाएंगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेंगी तो इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया। उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान करेगी, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। उस रोज लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखा दिए जाए। बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। तिलावत कलाम पाक से कई कसीब आवार समा पैदा हो गया। अगर एक तरफ मौतेबाना सन्नाटा छा गया तो दूसरी तरफ ईमान अफरोज का खामोशी का पहरा है। और क्यों ना हो, ये कुरान और साहिब कुरान का एजाज है। तो आइए अपनी मुतरनम और खुसूस आवाज़ से कल्ब व नज़र को हमदी बारी तारा से सैखल व मुसफ़ा करने के लिए मैं मदू करती हूँ रमशा फातिमा जैनब फातिमा खतीजा। तैयार करदा है सुहेल अहमद। मेरी इब्तिदा मेरी इंतहा, तेरे फजल से तुझे हमद है। मेरी इब्तिदा मेरी इंतहा, तेरे फजल से तुझे हमद है। ये मेरा बयां वो मेरी जुबा, तेरे फजल से तुझे हमद है। तू
सामाईन बातमकीन हमदे बारी ताला के पुरकैफ व पुरनूर माहौल से हम आगे बढ़ते हुए इज्जत व खलूस से खराज मोहब्बत के बोसे इस दरे अकदस पर सबत कर दे तस्किरा करे इस ज़ाते अकदस का जिसने ज़िंदगी की तारीख राहों को अपने असवाए हुस्ना की चमक दमक से रोशन व ताबनाक फरमाया। नाते शरीफ के लिए जमात शशुब अलीफ के तालिबे इल्म सिद्दीक को मैं इस शेर से मदु करती हूँ। तंजीम व अमल तहजीब व अदब इखलास वफा ईसार व करम तंजीम व अमल तहजीब अदब इखलास वफा ईसार व करम सरकार के हुस्न सीरत से क्या कुछ नहीं सीखा दुनिया ने। ना
पाक से महफिल पर रूहानी व वजदानी समा तारी हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमंग अस वी हैव द ऑनर ऑफ हैविंग द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम हाईली रेप्यूटेबल एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हु हैव गिवन अस देयर वैल्यूएबल टाइम। वी अप्रिशिएट एंड वेलकम देयर कमिंग अवर फंक्शन। थैंक यू वंस अगेन। नया साल होगा नई बात होगी, नया साल होगा नई बात होगी, नई सुबह होगी नई रात होगी, नया सुर नई लय नया साज होगा, निराला जमाने का अंदाज होगा, अभी रंगे महफिल का आगाज होगा। हाजरीन, रंगे महफिल के आगाज की निजामत के लिए मैं साथी टीचर अवेज अहमद को दावत देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजरीन इकराम, हमारी इस महफिल में जीनत स्टिच होने के लिए अगर एक तरफ अरबाब सियासत अहले इल्म व बसीरत की नौरानी जमात मौजूद है तो दूसरी तरफ सरपरस्तों का हुस्न इंतजाज भी है। यानी अगर एक तरफ गुलाब की खुशबू महसूस करेंगे तो दूसरी तरफ यास्मीन की महक भी, अगर एक तरफ चमन की दिलकशी देखेंगे तो दूसरी तरफ गुलों की ताजगी भी। जी हाँ हाजरीन, इस महफिल में हमारे दरमियान कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फिर भी रस्म अदायगी कर ही लेते हैं। सबसे पहले मैं जनाब सईद सर अलमीर उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मौलिम से गुजारिश करता हूँ कि आपसे अजमन गुजारिश करता हूँ कि इज्जत माँ जनाब डी पी जवलकर सर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर पे यूनिट प्राइमरी का गुलों से इस्तकबाल करें। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को इतर लगाया नहीं जाता। डीपी जवलकर सर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर पे यूनिट प्राइमरी जिला परिषद औरंगाबाद। अब मैं सही सर से अदबन गुजारिश करता हूं कि इज्जत माँ जनाब सीताराम पवार सर ज्येष्ठ शिक्षक विस्तार अधिकारी जिला परिषद को नजराने गुल पेश करें। मुझको इससे क्या गर्ज सुबह है या शाम है, मुझको इससे क्या गर्ज सुबह है या शाम है, खिदमत अहल चमन हर वक्त मेरा काम है। जनाब सीताराम पवार सर ज्येष्ठ शिक्षक विस्तार अधिकारी जिला परिषद। इसके बाद मैं सही सर से गुजारिश करता हूँ कि इज्जत माफ जनाब अवध मुबारक सर से अवध बिन मुबारक सर हेडमास्टर अलमीर सेकेंडरी स्कूल का गुलों से इस्तकबाल करें। सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आए तो महफिल में शान बनेगी। जनाब अवध बिन मुबारक सर। के बाद मैं सही सर से अपन गुजारिश करता हूं कि इज्जत माफ अवेश दुरानी सर सोशल वर्कर को नजराने गुल पेश कर। वो अखलाक के मुसाफिर है पहचान है इनकी, वो अखलाक के मुसाफिर है पहचान है इनकी, जिधर से भी गुजरते हैं सलीफा छोड़ देते हैं। काबिल बाशऊर होनहार तलबा सालाना बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा जिन्होंने साले गुज़िश्ता अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, इन्हें मजीद इंतजार न करवाते हुए तकसीमी इनामात का आगाज करते हैं। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। तालीम गुज़िश्ता में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और तालिबान
सबसे पहले मैं जमात फर्स्ट ए से शेख इजानुद्दीन शेख सलाहुद्दीन जाकिर, जिन्होंने 95% नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल की। मैं जवड़कर सर से गुजारिश करता हूँ, फर्स्ट ए शेख इजानुद्दीन शेख सलाहुद्दीन, जिन्होंने फर्स्ट ए से 95% नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल की। इसके बाद फर्स्ट बी से तस्मिया फातिमा हारून खान, फर्स्ट बी से, जिन्होंने 92% नंबर हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। इसके बाद फर्स्ट सी से अलमीरा तहर मुजीबुर रहमान 94% हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। मैं जनाब सीताराम पवार सर से गुजारिश करता हूँ कि आपके दस्ते मुबारक से इन्हें इनाम पेश करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। इसके बाद में थर्ड ए सैयदा फरीहा सैयद खालिद को दावा देता हूँ, उन्होंने 91% नंबर हासिल करके नुमाया कामयाबी। सेकंड बी से अरफा फातिमा जावेद अहमद, सेकंड सी से लाइबा फरदीन शेख फसी, थर्ड ए सदफनाथ अतीक अहमद, थर्ड बी जोया शेख रफी, थर्ड सी से माहिरा शेख वसीम, फोर्थ ए अनाबिया तहरीम शेख सलाहुद्दीन। फोर्थ बी जुबिया जरमीन मोहम्मद सलीम, फोर्थ सी फौकिया शमसुद्दीन शेख, फिफ्थ ए मिर्जा एहतिशाम मिर्जा मोहम्मद बे, फिफ्थ बी मोहम्मद जाहिद शेख वसीम, फिफ्थ सी से शेख रेहान शेख फयाजुद्दीन। फिफ्थ सी से शेख रेहान शेख फयाजुद्दीन, सिक्स ए मिर्जा अनस मिर्जा महमूद, सिक्स बी सैयद दिशान अली मुर्तुजा अली, सिक्स सी जोहा अब्दुल गनी, सेवन ए निखत बानो मोहम्मद असलम, सेवन बी खतीजा नूरैन अब्दुल मोहसिन, सेवन सी अफीरा फातिमा फारूक अहमद। साबिर भाई पोजीशन चेंज करो, मैं उधर जाके बच्चों को लेता। हाँ, इसके बाद स्कॉलरशिप में नुमाया था स्कॉलरशिप में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले शेख इम्तियाज शेख इदरीस, ठीक है सर एक सेकंड ओके चल।
स्कॉलरशिप में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि तालियां की, ये बच्चों की हिम्मत अफजाई है आपकी तालियां। आयशा मुस्तफा खान, अगला इनाम है आयशा मुस्तफा खान। इसी के साथ में हाजिर इकराम मदरसा हाजा में मौलाना अबुल हसी अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक एकेडमी भटकल कर्नाटक की जानिब से साले गुज़िश्ता दुनिया का इम्तिहान लिया गया था, जिसमें मदरसा हाजा के तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। वो होनहार तुलबा अनमोल वो अनमोल तुलबा कामयाब तुलबा को इनामत से नवाजने के लिए मैं जवलकर सर से अदबन गुजारिश करता हूँ। सबसे पहले, तू शाहीन है परवाज है तेरा काम, तेरे सामने आसमां और भी है। अभी कुछ ही देर में आपके सामने दुनिया में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले उन तलबा और तालिबात को इनामत से नवाजा जाएगा। हमारा अलवीर स्कूल ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे मराठवाड़ा में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हर साल सरपरस्तों की एक बड़ी तादाद अपने नौनिहालों को इसी मदरसे में दाखिले दिलवाने की गर्ज से स्कूल में आते हैं और गैलरी में ऊपर के जाने बहुत सारी जगह खाली है, आप नीचे ना खड़े रहते हुए ऊपर जाकर गैलरी में बैठ जाएं। इस्लामियत में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले आयशा मुस्तफा खान। आयशा जैद रफीउद्दीन, जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। जैद रफीउद्दीन, शेख मोहम्मद उजैर अब्दुल अजीम, सैयद उजैर अली रफत अली, आयशा मुस्तफा खान, शेख कुलसुम, सैयद फरहान सैयद अनस, फरहाद अंसार अंसारी, जिक्रा शेख जफर। अरे पागल है क्या थोड़ा?
इमरान भाई को बोलो। हमारा अलमीर स्कूल ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे मराठवाड़ा में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हर साल सरपरस्तों की एक बड़ी तादाद अपने नौ निहालों को इसी मदरसा में दाखिला दिलवाने की गर्ज से स्कूल आते हैं। आए साले गुज़िश्ता की मदरसा हाजा की कारकर्दगी पर एक सरासरी निगाह डालते हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर पेश करते हैं गुज़िश्ता साल की सरासरी तस्वीर, जिसमें हमारे सदर मौलिम जनाब शेख सईद सर के जानिब से करता हूँ। फ़क्त तेरी मदद इस्तेमालत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर फिर प्रवास करता हूँ। मौजे सामाइन अकराम, आप तमाम का मैं पुरतफाल इस्तकबाल करता हूँ। हज़ारों सजदे इदारे बैतुल निस्वा के तहत निस्वा के ज़ेर एहतमाम जारी है। हमें फ़ख्र है हमारा मदरसा जिस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जारी है इसकी बुनियाद 1972 में मोहतरमा अफसरी बेगम साहिबा मरहूम अब्दुल्ला साहब और इनकी अहलिया गैसुद्दरा साहिबा ने बड़ी नेक नीयती से डाली। इनका इंतकाल के बाद इस पस्ता हाल इदारे की जिम्मेदारी डॉक्टर रोग पठान साहब ने संभाली। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा 7 मार्च 2022 से इज्जत माँ जनाब वजीर ज़िरात अब्दुल सत्तार साहब की ज़ेर सरपरस्ती में जारी है। इसके अगराज व मकासद समाज का हर बच्चा कौम का सरमाया है, उन्हें सही मायनों में इंसान बनाना ताकि वो कौम मिल्लत के काम आ सके हमारा फ़र्ज अवलिन है। उसे पूरा करने के लिए हम बच्चों को हर तरह की तदरीसी व गैर तदरीसी मौके फराहम करते हैं ताकि बच्चों की अखलाकी सलाहियत व ज़हनी नशोनुमा हो सके। इसी के साथ जिस्मानी नशोनुमा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। संगरेज़ों के शुभम का मुझे एहसास कहाँ, मैं तो मंजिल की मीनारों पर नज़र रखता हूँ। नला दिन तलबा का इस्तकबाल, किताबों की तकसीम, सरपरस हज़ार का इस्तकबाल, 21 जून आलमी योगा दिन, चौथे हफ्ते में सरपरस की मीटिंग, अगस्त अमृत महोत्सव के तहत तलबा की अजीम अलीशान रैली निकाली गई, फ्रीडम फाइटर्स रहनुमाए आज़ादी फैंसी ड्रेस रखा गया, ड्राइंग मुकाबला, क्राफ्ट नुमाइश, हुब्बुल वतनी गीत मुकाबला रखा गया, योम आज़ादी के ज़िमन में तकारीर मुकाबले मुनक़िद हुए। सितंबर EVM की मदद से स्टूडेंट काउंसिल का क़याम अमल में आया, 5 सितंबर मनाया गया, बैनुल मदारिस मुकाबलों में शिरकत, कचरा प्रोग्राम देखना है इसलिए हम वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं हमारे ज़िला परिषद के जवरकर साहब जो वक्त पे हमको तनख्वाह देते हैं, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होने देते हो, एक तारीख बोले तो 1 तारीख को हमारे अकाउंट में जमा करते हैं तनख्वाह, इनकी मेहरबानी से हर महीने 1 तारीख को हमको तनख्वाह मिल जाती है। इनका बहुत बड़ा अच्छा काम है इसलिए मैं उनको दावत देता हूँ कि आओ और आप 2 अल्फाज से हमारे हौसला अफजाई करें। सलामुअलैकुम, मुझे वक्त की अहमियत है देखो, और सर ने बोला भी है कि मैं 1 तारीख को तनख्वाह देता हूँ सबको, तो आज का जो कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है, ये कार्यक्रम आपके लिए है और ये 2 साल का इंतज़ार है। बोले तो 2 साल कोविड ने, थोड़ा लाइट की तरह, 2 साल पूरे कोविड ने हम लोगों को घर में बिठा के रखा था। सबसे बड़ी खुशी बच्चों को हुई होंगी कि चलो 2 साल स्कूल में जाने का काम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ऐसी है कि 2 साल हम घर में बैठे लेकिन कोविड से हम बहुत कुछ सीखे हैं। हमारे सपने देखना बंद हो गए क्या? सपने तो देखते रहते थे हम, लेकिन क्या हुआ कि घर से बाहर अगर आते तो पुलिस वाले डंडे मारते, तो हम लोगों को बाद में ऐसा लगा कि अभी घर में बैठना नहीं है, अभी हम अपने अपने काम पे जाएंगे।
और बच्चों को भी ऐसा लगने लगा था कि घर में बैठ के कुछ भी नहीं है, हम अपना स्कूल ही अच्छा है। और अभी आजकल जो कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम ये आपके बच्चों का जो यहाँ पे आपको कार्यक्रम दिखाने वाले है, ये आपको देखने में ज़्यादा खुशी है। मैं जो बात करूँगा उससे वो आपको देखने का इंतज़ार है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और मेरे दो शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ और आगे के कार्यक्रम को शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर। अब आपके सामने सीताराम पवार सर, ज्येष्ठ शिक्षक विस्तार अधिकारी, अपने जरील ख्यालात से हम सब की रहनुमाई करेंगे। सबको सलाम अलैकुम। आलमीर स्कूल का एनुअल डे का शेड्यूल देखने के बाद अच्छा लगा कि बच्चों के अलग अलग एक्टिविटीज़ को स्कूल ने एक मौका दिया है। इस मौके को और एनुअल फंक्शन डे को एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुबारकबाद, शुभेच्छा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आपके सामने अलमीर उर्दू सेकेंडरी स्कूल के सदर मौलिम जनाब अवध बिन मुबारक चौस सर, अपने जरील ख्यालात से हम सबकी रहनुमाई करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस प्रोग्राम के वक्त पर मौजूद हमारे दोस्त जवलकर साहब, उसी तरह अर्जन जिनको यहाँ पर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए बुला गया, ऐसे हमारे अजीज दोस्त हमारे भाई सीताराम पवार जी, उसी तरह अलमीर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मेरे छोटे भाई सईद सर और आवेश भाई और आप तमाम पेरेंट्स, आपके और इस प्रोग्राम के दरमियान में हम ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर हमको बुलाया गया, इज्जत बख्शी गई, इसलिए हम सईद सर का और तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग अमला अलमीर प्राइमरी स्कूल के शुक्रगुजार हैं। और इस प्रोग्राम को बेहतरीन बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिली, क्योंकि पवार साहब भी मुझको बोल रहे थे कि प्रस्ताविक जो है तो माइक के ऊपर करा जाता, मगर एक सईद सर ने एक नया आइटम यहाँ पर पेश किया और माशाल्लाह हमको बहुत पसंद आया। उसके अंदर जो है तो थोड़े वक्त के अंदर पूरा उनकी कारकर्दगी यहाँ पर बताई गई। तो इस प्रोग्राम को हमारे तरफ से अलमीर सेकेंडरी की जानिब से दिल से मुबारकबाद मैं देता हूँ और प्रोग्राम देखने के लिए आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब कुछ ही वक्त में हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। सखावती प्रोग्राम की इब्तिदा होने जा रही है।